जबलपुर में शुक्रवार को रिलीज की गई विवादित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रदर्शन का विरोध शुरू हो गया। समदरिया मल्टीप्लेक्स में दो शो के प्रदर्शन के बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन से मल्टीप्लेक्स में तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान मल्टीप्लेक्स प्रबंधक ने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग पर अड़ गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं को हंगामा करने से रोका, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स के प्रवेश द्वार को ही बंद कर दिया। कार्यकर्ताओं के बढ़ते प्रदर्शन के बाद मल्टीप्लेक्स प्रबंधक ने फिल्म के प्रदर्शन को रोक दिया। युवक कांग्रेस सचिव जतिन राज ने फिल्म के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की, दोबारा प्रदर्शन पर उप प्रदर्शन की चेतावनी दी। अभी जो प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो अभी एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो फिल्म बंद करवा दी जाए, ना चलाया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट तो रिस्पेक्ट देते हुए तो अभी आने वाले जो शो हैं वो आज के लिए तो अभी बंद कर दिए रहे हैं। जो हम लोग आज समदड़िया मॉल में आए हुए हैं जबलपुर में, जो पिक्चर लगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो एक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो पिक्चर लगाई गई थी। मनमोहन सिंह जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे बिना परमिशन लिए एक बुक के उसमें एक पिक्चर इन्होंने बना दी है। हम लोग वो बंद करवाने आए हैं, वो शांतिपूर्वक आके यहाँ के मैनेजर और सब प्रबंधक जी से बात की कि ये पिक्चर को तंज से बंद कर दे, क्योंकि ये पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए पिक्चर को लगाया गया था। हम लोगों ने अभी आके यहाँ के महोदय जी से बात करी है और मैनेजर से बात की कि ये पिक्चर बंद कर दे। अगर ये पिक्चर 24 घंटे के अंदर बंद नहीं की जाती, आज ये बंद पिक्चर बंद नहीं की जाती, तो हम लोग कल यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा रूप कांग्रेस दिखाएगी।